अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माई चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची, और ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी दिन से बन रहा था और आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी हम साथ लिए चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। और आज हम कुछ नई जगह भी बहरिया टाउन में एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे से। हस्बैंड ने कहा है कि आज कुछ नई जगह भी दिखाएंगे, मगर वो सरप्राइज़ है, कह रहे थे कि बताना नहीं है आपको। तो चलिए आज सब देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी टाइम है। आज काफ़ी अरसे के बाद इनकी छुट्टी है, तो हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि पूरा दिन यहीं पर स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। आराम आराम से पूरा बहरिया टाउन एक्सप्लोर करेंगे, अगर कोई जगह रहेगी तो फिर दोबारा आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी बहुत प्यारा है। देखिए कितने घने बादल हैं, इतना खूबसूरत मौसम है, तो आदमी से बात है घूमने का भी मज़ा आएगा जहाँ जहाँ भी जाएंगे। ये देखिए, ये सोहराबगढ़ पहुँच के यहाँ से हमने कुछ फ्रूट ख़रीदा जो कि रास्ते में काम आएगा। मौसम बहुत ही अच्छा है और लग रहा है जैसे अभी बारिश भी शुरू हो जाएगी रास्ते में। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे। रास्ते में बातें करते जा रहे थे हम लोग, यहाँ पे गुजरे हम लोग रुके और फिर सफ़र अपना शुरू कर दिया। बच्चे भी पीछे बैठे मज़े से एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को भी और वेदर को भी। लीजिए बस हम लोग पहुंच गए बहरिया टाउन। अभी हम लोग बस गेट से इंटर होंगे। आज तय ये हुआ है कि बहुत आराम आराम से घूमेंगे और सब कुछ खुद भी अच्छी तरह से दिखेंगे और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। मौसम बहुत खूबसूरत है, रस्ते में फुहार पड़ रही थी मगर अल्लाह का शुक्र है कि तेज़ बारिश नहीं हुई। यहाँ पे बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जब भी हम आते हैं कुछ अरसे के बाद तो नई नई बिल्डिंग्स बनी होती हैं।
यहाँ आके आपको लगता है कि आप जैसे कहीं और ही आ गए, किसी और जगह पे, दुबई वगैरह में आ गए। सफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर बारिश वगैरह होती है तो उसका तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, जैसे शहर में जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। मौसम तो अच्छा है, ये हवा भी बहुत तेज चल रही है। अभी यहाँ पर रुके हैं हम लोग, पार्क है बना हुआ है तो वहाँ पे बच्चों को लेकर चलते हैं। ये है खदीजा मेरी सबसे छोटी बेटी, बच्चे और हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दिल खुश हो जाता है आपका। हम लोग तो काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ अरसे के बाद जब छुट्टी होती है तो फिर प्लान होता है कि बैरी टाउन चलते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। हस्बैंड अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप वो बच्चों के कुछ पिक्स बना रहे हैं। यहाँ पर फाउंटेन लगे और देखें बहुत खूबसूरत बना हुआ है, अभी इस टाइम तो बंद है। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास छुट्टी और फ्री टाइम है तो आप यहाँ पर आएँ। यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमने साथ कूलर में पानी डाल के रख लिया था, बच्चे बार बार पानी मांगते हैं, कुछ खाते हैं तो साथ ही उनको प्यास भी फौरन लग जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम साथ कूलर रख लेते हैं। हम लोग जब भी कहीं लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो साथ कूलर तो लाजमी है रखना, गर्मी का मौसम है अगर तो, जो बार बार प्यास लगती है फिर वो कूलर आगे रखा होता है और मैं उनको डाल डाल के देती हूँ, जो बच्चा मांगता है हस्बैंड मांगते हैं तो उनको पानी डाल के देती रहती हूँ। देखिए गाड़ी की स्पीड यहाँ पे बहुत स्लो की हुई थी हस्बैंड ने, कह रहे थे ताकि हम अच्छी तरह सब कुछ देख सकें,
ये सारा कमर्शियल एरिया है यहाँ का। ये राइट साइड पे बहरिया टाउन की ग्रैंड मस्जिद है, जो कि काफ़ी अरसे से ज़ेरे तामीर है। यहाँ सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये एक ही तरह की बिल्डिंग्स है, काफ़ी बनी हुई है, काफ़ी तादाद में, और इनके दरमियान में भी बहुत खूबसूरत पार्क है, वहाँ पर भी जाएंगे। पार्क में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बच्चों के काफ़ी झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स हैं, बहुत कलरफुल। हम लोग एक जगह पे बैठ गए थे और बच्चों ने झूले लेने शुरू कर दिए। खदीजा को स्लाइड नज़र आ गई तो बार बार स्लाइड पे जा रही थी, हमने भी उनको बैठने दिया ताकि बच्चे इंजॉय करें। यहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह पर चलते हैं। अभी हम लोग मरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर शायद आप लोग पहले आए हो, अगर नहीं आए तो लाजमी आइएगा, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। खाना लेकर आए जैसे फैमिली के साथ आए तो यहाँ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और सफाई भी बहुत है। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं मरी पॉइंट पे। यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ऊंचाई पे है बना हुआ, नीचे व्यू देखें, एक ही तरह के घर बने हुए सारे। ये सड़क कितनी अच्छी लग रही है यहाँ से। यहाँ हम लोग रुके नहीं हैं क्योंकि हम लोग पहले काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो अब मैंने आपको बताया, जैसे अब मैं कह रहे थे एक नई जगह पर लेके जाऊंगा, इन्होंने बताया नहीं पहले मुझे, बार बार हमने पूछा मगर नहीं बता रहे। कह चलिए वहाँ पे भी पहुँच चुके हैं, अभी देखते हैं ये कौन सी जगह है, कैसी जगह है, दिखाते हैं साथ साथ आपको। गाड़ी पार्क कर दी हमने और अभी जा रहे हैं उस तरफ।
यहाँ पर डैम है, जो बहरिया टाउन का डैम वो बना हुआ है। मैं कब से इनसे पूछ रही थी कि कौन सी जगह है जो आप ढूंढे जा रहे हैं, तो जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो फ्लोर बने हुए हैं, अभी ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हैं हम लोग। ये नीचे के देखिए, ये डैम है बहरिया टाउन का। इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, और ये सबसे अच्छी जगह लगी मुझे। ये नीचे यहाँ पे टेबल बने हुए हैं, दो जगह पे टेबल है, और यहाँ पे बिल्कुल एंड में मैं आपको दिखाऊंगी बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है। और ये जगह मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, पहली दफ़ा मैं इस जगह पर आई हूँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से उतर के हम लोग नीचे आए हैं। ये ऊपर वाली जगह इसकी, अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर आ गए, तो ये ऊपर भी बहुत अच्छी जगह बनी है बैठने के लिए। बादल बस आप देखें कितने घने हैं, काले बादल हैं, और यहीं पर थे जब हम लोग, तो बारिश भी शुरू हो गई। फिर तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम वापस जाएं। बच्चों को भी कहा कि आप लोग खेलो यहाँ पे, एंजॉय करो। व्यू चेक करें आप बस सर, मेरे ख्याल से तो ये सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ की। आप लोग भी यहाँ आए तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये वीडियो हस्बैंड ने शूट की थी, ये यहीं से, यहीं पे थोड़ी ऊंचाई पे जगह बनी हुई सामने, वहाँ से भी डैम का व्यू देखे आप। ये हस्बैंड गए थे और वो बनाकर लाए वीडियो, और हम लोग बहुत दूर सामने बैठे हुए थे। और ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ डैम का व्यू, बहुत खूबसूरत लगता है। और मौसम अगर ऐसा अच्छा हो ना, तो फिर तो आके मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। नीचे जहाँ पर टेबल लगी है, यहाँ पे एंड में बिल्कुल बारबेक्यू की जगह है, वहाँ पर लोग बारबेक्यू कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ जा कर वीडियो छोड़ने की। तो हस्बैंड गए थे, उन्होंने एक दो पिक्स बनाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आके ना कोई भी बारबेक्यू कर सकता है, आप अपना सामान लेकर आए, सारा सीखे वगैरह कोयले सब कुछ साथ लेकर आए, और यहाँ आके आप बैठे बनाए और साथ साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। दो टेबल्स हैं यहाँ पे, ये पिक हस्बैंड ने बनाई थी, यहाँ पे कुछ लोग ना बारबेक्यू कर रहे थे। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया यहाँ पे, खेला, घर पे तो उतनी जगह नहीं होती, तो यहाँ पे खेल के अपना शौक पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना इतना रश भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस जगह का पता ही नहीं है। हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं, छुट्टी है तो आज का दिन ना हम वहीं पर गुजारेंगे। यहाँ से देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ पर लोग बारबेक्यू कर रहे थे, अब वो बारबेक्यू तो कर चुके हैं। आपके पास भी जब भी टाइम हो तो आप लोग यहाँ पे इस जगह पे ज़रूर जाएं, आपको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे ना बहुत सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, शहर से क्योंकि दूर है तो यहाँ शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं है।
और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसा अकल्ला यहाँ पर ना हस्बैंड बेटी के साथ खेल रहे थे, हस्बैंड को ना घूमने का ख़ुद भी बहुत शौक़ है, तो जब भी उनके पास टाइम होता है ना तो कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं हमें ज़रूर, क्योंकि बच्चे भी घर पर रह रहे हैं, एक आदमी से बातें बोर हो जाते हैं, कहीं निकलना तो होता नहीं इतना ज़्यादा। इस व्लॉग को मैं यहीं पेंट कर रही हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।